आप सभी को नमस्कार। आप सबका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा दूसरा तथ्य है, जिस दूसरे फैक्ट पर आज हम बात करने वाले हैं, जिस दूसरी योजना की हम चर्चा करने वाले हैं, वो है मध्य प्रदेश राज्य विशेष की योजना है। नाम है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना के बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे कि जीवन अमृत योजना है क्या, किन पक्षों पर या किन बिंदुओं पर यह योजना केंद्रित है, किस समाज के किस बिंदु पर या समाज के किस वर्ग पर यह योजना केंद्रित है, इन सब के बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यह योजना प्रारंभ किसने किया है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है, MP की योजना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उन्हीं की योजना है, उन्हीं के सरकार के अंतर्गत इस योजना को प्रारंभ किया गया है। और ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ इसके द्वारा इसके सहयोग से चलाई जा रही है। क्या? मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ इसके सहयोग से चलाई जा रही है। और इसमें आयुष विभाग है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का आयुष विभाग वह इसकी मदद कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो योजना है जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ और आयुष विभाग के सहयोग से इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। अब आइए देखते हैं टू द पॉइंट में कि मध्य प्रदेश की जीवन अमृत योजना के अंतर्गत किन बिंदुओं को हमें देखना है, किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कोरोना संकट COVID-19 के दौर में आप सब जानते हैं, सबने सुना होगा, पढ़ा होगा कि ये जो संक्रमण है, इस संक्रमण की बात छोड़ दीजिए, कोई भी जो संक्रमण होता है या कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले उसी व्यक्ति को प्रभावित करती है जिसका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिस व्यक्ति की कम होती है, सबसे पहले उसी व्यक्ति को, कोई भी संक्रमण हो, कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले उसी को प्रभावित करती है। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सोचा कि जब इस बीमारी का अभी तक जब तक कोई इलाज नहीं निकल रहा है, जब तक कोई टीका, कोई वैक्सीन इसका नहीं निकल रहा है, तब तक लोगों को इससे बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। लॉकडाउन तो ये जो है बहुत ज़्यादा बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। लॉकडाउन से सिर्फ हम कुछ दिनों तक लोगों को सीमित रख सकते हैं, घरों में कैद कर रख सकते हैं कि हमारा प्रसार ना हो, लेकिन संक्रमण को हम समाप्त नहीं कर सकते व्यक्ति विशेष से। तो इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रयास किया कि जब यह इम्यून सिस्टम को, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है जिसकी कम होती है, उसी को ही यह संक्रमण ज़्यादा प्रभावित करता है, सबसे पहले उसी को अपने आगोश में लेता है, तो क्यों ना लोगों की जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि अपने राज्य विशेष के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए एक त्रिकुट नामक चूर्ण बनाया है। त्रिकुट का मतलब हो गया क्या? तीन चीज़ें। अब इन तीन चीज़ों में क्या है, इस त्रिकुट जो चूर्ण है मध्य प्रदेश राज्य सरकार का, इसमें क्या है, इसमें मिलाया गया है पीपल, काली मिर्च और अदरक। पीपल, काली मिर्च, अदरक, इन तीनों के मिश्रण से एक त्रिकुट नामक चूर्ण बनाया गया है। बना कौन रहा है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार का, मध्य प्रदेश का लघु वनोपज संघ और आयुष विभाग, ये दोनों मिलकर इस त्रिकुट चूर्ण को बना रहे हैं। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार का लक्ष्य है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों को, मध्य प्रदेश के 1 करोड़ नागरिकों को इस चूर्ण को वितरित करने का लक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रखा है। और ये जो चूर्ण बना रहा है मध्य प्रदेश राज्य सरकार, जो बना रही है चूर्ण विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से, ये 50-50 ग्राम के पैकेट के चूर्ण बन रहे हैं। और इस 50-50 ग्राम के जो पैकेट के चूर्ण हैं, इसका लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों तक इसको जो है वितरित किया जाए, इसको प्रदान किया जाए, जिससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेटर हो सके, इम्यून सिस्टम बेटर हो सके, और वो संक्रमण से लड़ने में एक प्रकार से देखा जाए, या संक्रमण को हराने में जो है सफल हो सके। जो भी व्यक्ति प्रभावित है उनको, वो किस प्रकार से इस संक्रमण से बच सकते हैं, किस प्रकार से अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए विधिवत इस पर एक एडवर्टाइज, इस पर डिटेल दी हुई है कि किन किन चीजों का आपका सेवन करना है जिससे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और किसी भी प्रकार के संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है, एक चूर्ण बनाने की योजना है, इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को इसमें कवर करने की
योजना है। और इसमें याद क्या रखना है हमें, सबसे पहले तीन फैक्ट हमें याद रखने, क्या लक्ष्य क्या है, 1 करोड़ लोगों तक यह चूर्ण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, 50-50 ग्राम के पैकेट में बांटे जा रहे हैं। दूसरी बात इसमें क्या याद रखना है हमें कि इसको किस संस्था के माध्यम से तैयार कराया जा रहा है। तो पहली जो संस्था है वो है मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ और दूसरी संस्था है आयुष विभाग। और जब बात आयुष की आती है तो आपको याद होना चाहिए आयुष AYUSH, इसमें अलग अलग जो शब्द हैं इसका अलग अलग मीनिंग होता है और सबके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे ए हो गया, ए फॉर होता है आयुर्वेदा, यू फॉर हो गया योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर वाई फॉर हो गया योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर हो गया यूनानी, यच फॉर हो गया सिद्धा और यच फॉर हो गया होम्योपैथिक। और ये जो प्रत्येक मेडिसिन यहाँ पे नाम लिखे गए हैं इसका ओरिजिन भी कई बार पूछा जाता है कि इसकी ओरिजिन कहाँ है। जैसे आपसे पूछा जाए कि जो सिद्धा मेडिसिन है ये किस राज्य विशेष की या किस क्षेत्र की पारंपरिक औषधि है, तो इसको बोला जाता है कि ये तमिलनाडु की पारंपरिक औषधि है। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि जो सिद्धा है ये तमिलनाडु की पारंपरिक औषधि है। उसी प्रकार से जब होम्योपैथिक की बात आती है तो पूछा जाता है कि होम्योपैथिक की पारंपरिक किस देश की पारंपरिक औषधि है, तो ये जर्मनी की पारंपरिक औषधि है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने पिछले दिनों बताया था मैंने क्या योगा के बारे में, योगा एंड नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा, इसको बोला जाता है कि इसकी ओरिजिन जो है भारत में हुई है। और जो यूनानी मेडिसिन है इसका ओरिजिन जो है यूनान से हुई है। और पिछले दिनों मैंने बताया था जब विश्व यूनानी दिवस मनाया गया था तो मैंने बताया था कि किसके जन्म दिवस पर ये जो है विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। तो आपका कार्य है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व यूनानी दिवस जो मैंने बताया है वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दूसरा आप हमें बताएंगे कि जो होम्योपैथिक है तो विश्व होम्योपैथिक दिवस भी मनाया जाता है, तो विश्व होम्योपैथिक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, ये आपका होमवर्क है। मैंने इस प्रश्न के अंतर्गत, इस चर्चा के अंतर्गत 2 प्रश्न आपसे पूछे हैं। और यदि आप हमारा सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में इसके जवाब जरूर लिखेंगे, क्योंकि पिछले दिनों करंट अफेयर्स में इन सबकी चर्चा डिटेल से हुई थी। तो सबसे पहले जीवन अमृत योजना एक त्रिगुट चूर्ण बनाने की है, त्रिगुट चूर्ण 1 करोड़ लोगों तक उपलब्ध कराने की है। किसकी योजना है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार लघु वनोपज संघ और आयुष विभाग की सहायता से इसको बना रहा है और इसका वितरण प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इसका वितरण कराया जा रहा है। लक्ष्य क्या है, 1 करोड़ लोगों तक पहुँच बनानी है, 1 करोड़ लोगों तक इस योजना को 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है कि क्या यह शहरी क्षेत्रों के लिए है, जी नहीं, ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको आज ये हमारा दूसरा सीरीज है, यदि आप इसी तरह से इसको प्यार देते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये क्रम हमारा इसी तरह से निरंतर चलता रहेगा और प्रत्येक दिन आपको या तो राष्ट्रीय घटनाक्रम या आपके जो राज्य विशेष के घटनाक्रम पर आपका जो भी करंट अफेयर्स होगा, जो भी योजना होगी, जो भी समसामयिक घटना क्रम होगी, वो आपको निरंतर मिलती रहेगी। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। टू द पॉइंट के अगले सेशन के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल आपको टू द पॉइंट के अंतर्गत एक नए मुद्दे पर हम आपके साथ पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।